हेलो दोस्तों, अच्छा लग रहा है आज का दिन और ऐसा लग रहा है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, एक्साइटेड है बहुत। ठीक है, और कल इतना बहुत सारा सामान लाए हैं, आप कुछ देर में दिखाएंगे, आपको कुछ देर पर दिखाएंगे। और काफ़ी हम लोग ना कम से कम 2 घंटे हम लोगों ने मार्केटिंग किया। ठीक है, और सब श्री कृष्ण जी के सब चीजें और उनके पोशाक है ना, हमारे तो छोटे से भोपाल है, बाल गोपाल है छोटे से, तो उनके झूले और उनके छोटे छोटे कपड़े। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? ये मेरी बेटी है, लोगों को देखा ही आपने, बहुत बड़ी देखा है। ठीक है ना, ये भी सब नहा धो के अभी कुछ खा पी के आई है, कैसे जा रहे हो? हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ, ये मैंने नया ये खरीदा था, हम लोगों दोनों ने नया पहना है, तो ये कॉटन की मैक्सी है, तो कुछ धोना वोना नहीं पड़ा, सब कोरा है एकदम, तो आज मैंने पहना है इसको। और कुछ ऑनलाइन से मंगवाए दोनों, हाँ, और क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा मिला, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें तो सुनी मंगाया मैंने शर्ट इन कंपनी, इसे क्या कहते हैं इसको, हाँ सैटन, शर्टन शर्टन सैटन का है। और उसके बाद आज ना मैं आपको कुछ सामान दिखाती हूँ जो मैं जन्माष्टमी के लिए लाई हूँ, और आज हम शाम को सजाएंगे और क्या कहते हैं सारा दिन अच्छा जाएगा। फिर मेन काम तो जैसे कि हम लोगों के बर्थडे में होता है, शाम से काम शुरू होता है ना, थोड़ा थोड़ा सामान दिखाते हैं। ठीक है, आपको मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लाए हैं बाल गोपाल के लिए झूला। सो ये झूला जो है, पहले मम्मी ने बोला था थोड़ा सिंपल लेकर आएंगे, फिर मेरे को ये मिला और ये बहुत हमने अपने लोकल से ही लिया है, लोकल वेंडर से, तो मुझे 150 रुपये का पड़ा। इसमें पूरा वेलवेट का काम है, तो हम लोग कुछ ला रहे हैं क्योंकि इस टाइम फेस्टिवल्स बहुत है अगस्त में, तो डेकोरेशन के लिए ये हमने अमेजोन से मंगवाया था। ये आपको लिंक मैं दे दूँगी, इसमें ऐसे ऐसे करके अलग अलग टाइप के रोजेस का बंच है, तो हमने ये सोचा है कि अभी हम श्री कृष्ण जी को तो इसमें करेंगे ही उनके बर्थडे पे। इसके अलावा हमारे पास ना कुछ एक नेट है, नेट मतलब यहाँ पे काम चल रहा था कारपेंटर का, तो उन्होंने कुछ नेट लगाया अपने विंडो पे, तो वो नेट मैंने ना उनका बचा हुआ नेट अपने घर पे ले ली मैं। अब उसमें हमने कुछ आइडिया सोचेंगे, उसमें ये फ्लावर्स से जैसे आपने देखा होगा पंडालों में डेकोरेशन करते हैं ना, वो गणेश जी की पूजा में, हाँ, तो फिर वो देखते हैं फिर उसमें करेंगे। ये देखिए आप अलग अलग आज भी कुछ सजाएंगे, ये देखिए आज भी छोटे मोटे ये सजाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये ना जब आप अमेजोन में देखेंगे आपको लगेगा बड़े बड़े फ्लावर्स है, देखिए छोटा छोटे रोजेस के फ्लावर्स है बंच के, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको डेकोरेट करोगे ना अपने मंदिर के ऊपर ऐसे लगा लगा के। ठीक है, बहुत सुंदर लगेगा, मत कर मतलब उनके गले को तो खाली नहीं रख सकते ना, अगर फूल खराब हो जाए या कुछ, तो एक परमानेंट तो चाहिए, तो ये मैंने मंगवाया। देखिए कुछ मंगा लिया, कुछ कुछ सामान मंगवाया जो आ गया है उसका मैं इसमें इसलिए आपको दिखा रही हूँ, फिर वो एक साथ दिखाना मुश्किल हो जाएगा, बाकी और भी सामान आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये बहुत ही प्यारा गार्लैंड है, सुंदर लग रहा है, तो मैंने ये कलर मुझे बहुत पसंद है, इसे वेरी सोबर कलर, ऑरेंज वाइट है, बीच बीच में लीव्स दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो कितना बड़ी बढ़िया मैंने कलरफुल ड्रेसेस लेकर आई, तो अच्छा लग रहा है ना, एक रेड एक ये पिंक, ये पिंक कलर है, ठीक है, रानी कलर जिसे हम कहते हैं, और एक है ऑरेंज, और ये है हमारा मुकुट और बांसुरी, और ये है उनके टॉप्स भी है, पता नहीं आएंगे, ये नहीं छोटे से गोपाल है हमारे। ठीक है, तो ये सारा मैं लाती हूँ हर साल। ठीक है, आप बताइए अगर आपका बर्थडे होगा और आपको कोई आपकी फेवरेट चीज़ दे दे तो आपको कितनी खुशी होती है? ठीक है ना, आप कहते हैं वो यू आर द बेस्ट मम्मा, यू आर द बेस्ट पापा, आप सबसे अच्छे हो ना, वैसे ही गोपाल जी की फेवरेट चीज़ें देंगे तो वो तो खुशी हो जाएंगे, वो कहेंगे यू आर माई बेस्ट भक्तास। ठीक है, तो ऐसे फिर मैंने ये सोचा, मैंने भी ये भी सुना है कि अगर उन्हें सफ़ेद मक्खन में मिश्री मिला के अगर आप दो तो वो बहुत प्रिय भोग होता है उनका, तो हम कोशिश कर रहे हैं लाने की, आई एम नॉट श्योर कि हमें मिलेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी ये करना, और आप भी दे सकते हैं, क्योंकि जब माखन खाते थे वो उस टाइम पे मथुरा में, सॉरी गोकुल में चुरा चुरा के माखन, ठीक है, तो वो उनकी आदत थी, तो यशोदा जी उनको सफ़ेद मक्खन में मिश्री मिला के उनको अपने हाथों से खिला देंगे, इसलिए उनका बहुत फेवरेट फूड है, तो अगर आप उनको वो भोग भी लगा देंगे ना बहुत खुश तुलसी के साथ,
दूसरी ये एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका। मैंने अमेजोन से मंगवाया है ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये रोज में है और ये कुछ किसी फ्लावर का गुलदावरी का देखा। ये मैं जब वो नेट में फंसाऊंगी उसको और जब वो पूरा कवर हो जाएगा ना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये सारा मैंने मंगवाया और इसमें जो पीसेस है ना पीसेस भी अच्छा खासा देते हैं ये कितने पीसेस का है मैं आपको बताती हूँ। इसमें 36 पीसेस है फ्लावर्स है एक पैक, और अगर आप ऐसे दो डब्बे मंगवा लेते हो आपको पूरा जो भी आप डेकोरेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपको चाहिए इसका लिंक, इसका लिंक अमेजोन में जो लिंक है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप भी गणपति अरेंज करते हैं अपने घर में पप्पा को लाते हैं और आपका भी कुछ आइडिया है ऐसे कुछ करने का मैं आपको ये सारे लिंक दे दूंगी ताकि आपको भी इसको डेकोरेशन करने हैं। अभी मेन्यू में मैं आपको बता देती हूँ आज क्या क्या है मेन्यू में। मम्मी बताओ मेन्यू में क्या क्या है आज। तो वैसे तो हर फल है, पांच तरह का फल है। वैसे अभी भोग नहीं है, भोग नहीं है, पांच तरह का फल होगा, मिठाई होगी और यदि हम हलवा कर सकते हैं तो करेंगे और बस यही है। ठीक है ना, भोग में मतलब इसमें प्रसाद में अब भोग में होगा पूड़ी होगी, मालपुआ होगा पूड़ी के साथ, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी एक होगी, पनीर की सब्जी होगी और पांच या तीन तरह की भाजी होगी, ये हम लोगों में दिया जाता है। और तुम्हारा देखा कोई मिठाई मंगा सकते हैं तो मंगा लेंगे। ठीक है, नहीं मिठाई मंगवाने की जरूरत नहीं ना, मालपुआ है, खीर बनाएंगे, आलू गोभी बनाएंगे, आलू पनीर बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, बस ठीक है, भाजी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं खाते। और एक चीज़ मिठाई भाजी, ये जन्माष्टमी में ये भोग बनाने के लिए सब्जियाँ काट रहे हैं। ये देखिए आलू की भाजी हम लोग में होती है ना, तीन तरह या पांच तरह की भाजी। ठीक है, ये आलू की भाजी है, ये देखिए ये गोभी, इसकी भी वो बनाएंगे, क्या कहते हैं पकौड़े, आप लोग कहते हैं ना पकौड़े, इसको भी पकौड़े बनाएंगे। ठीक है, और एक अभी बैगन आ रहा है उसका भी बनाएंगे। ठीक है, हम लोग तीन तरह की भाजी दे रहे हैं, पांच तरह की तो नहीं देंगे दे पाएंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें बन रही है। फिर ये देखिए वो बना रही हूँ, उनका कार्यक्रम शुरू हो गया। ठीक है, আমারটা নেছি, আমারটা আমি নিজের তো নিতে পারছি না, আমারটা আমারটা আমি কেমন করে নেব।